मैं ये सोचता हूँ कि ब्लॉगिंग इज शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू थ्रू योर ब्लॉग एंड योर रीच इज गुड, द मनी विल कम ऑटोमेटिकली. Hello, this is Genius Gem. Before you all wonder, yes, this is my real name. And I'm a foodpreneur, I can say. I'm a founder of Rolls-Royce. I have started my food blog called Jodhpur Foodie in 2015. Jodhpur Foodie, Jodhpur ka, jahan tak main samajhta hoon, pehla food blog tha. Jab maine Jodhpur Foodie shuru kiya tha, to mere dost bhi mujh pe haste the ki like food ki photographs kaun click karta hai. But eventually, when this social media started growing and so the evolution of social media after that, लोगों को समझ आया कि how you can promote your business on social media. आप किस तरह से अपने किसी भी business को एक next level तक ले जा सकते हैं. मैं ये सोचता हूँ कि blogging is sharing your experience. I started this food blog because I wanted a platform. एक जगह चाहिए थी जहाँ पे उस समय तक तो Zomato भी नहीं था जोधपुर में. जोधपुर has a really rich culture in food. तो कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जोधपुर का पुराने से पुरानी स्ट्रीट फूड से लगा के और एक नए से नया कैफ़े, वो एक जगह पे मिले. सो एक प्लेटफॉर्म मुझे वो क्रिएट करना था जहाँ पे मुझे जोधपुर का सारा फूड मिल जाए. सो दैट वाज द बेसिक मोटो ऑफ जोधपुर. काफ़ी जो एस्पायरिंग फूड ब्लॉगर्स हैं या काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि आप जो पैसे कमा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट या कैफ़े का प्रमोशन करने से ही कमा सकते हैं. ठीक है, मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ. इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू थ्रू योर ब्लॉग एंड योर रीच इज़ गुड, द मनी विल कम ऑटोमेटिकली. एज अ फूड ब्लॉगर, अगर मुझे उस खाने की अगर रियल वैल्यू जो कहते हैं रियल वर्थ अगर मुझे पता करनी है, तो अगर मेरी जेब से पॉकेट से पैसा जाएगा तभी पता पड़ेगी. सो बीइंग अ जेन्युइन ब्लॉगर, आई डोंट चार्ज फ्रॉम कैफेज और पोस्टिंग और यू नो स्पॉन्सर्ड पोस्ट. बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है, एवरी बिजनेस हैज़ टू बी ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ टू रीच टू मोर पीपल. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. व्हेन आई ऑर्गेनाइज द जोधपुर फूड अवार्ड्स, तो आई गॉट टू मीट सो मैनी पीपल, सो मैनी ट्रेडिशनल पीपल हु हैड नो आइडिया अबाउट इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो वाइल कॉन्वर्जिंग विद डैम, वाइल यू नो हैविंग चिट चैट विद डैम, दे इवन दे गॉट टू नो दैट जस्ट वन पोस्ट ऑन जोधपुर फूडी हैड मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर बिजनेस. Okay, and if you are running your social media properly, if you are getting a good reach, if you are you know beating all algorithms of social media, like this is a fact that you will get business. Zomato jaise brand, Pepsi, Coca-Cola, jinko koi bhi I guess intro ki zarurat hi nahi hai, wo bhi sabse zyada paisa abhi social media marketing pe laga rahe hain. ओके, सोशल मीडिया के थ्रू एक ही चीज़ जब बार बार आंखों के सामने आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है कभी कभी वो खरीदने के लिए. तो सोशल मीडिया प्लेज दैट रोल, दैट ब्रांडिंग रोल इन योर बिजनेस, दैट्स इट. मुझे खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हुई व्हेन आई मार्केटेड रोल्स रॉय जस्ट थ्रू इंस्टाग्राम. रोल्स रॉय को मार्केट करने के लिए मैंने किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया इंस्टाग्राम के अलावा. सो मुझे पता चला कि द पावर ऑफ इंस्टाग्राम. ओके, रोल्स रॉय के बारे में मैं दो लाइंस बताना चाहूँगा. रोल्स रॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रोटी, टिपिकल इंडियन टेस्ट बर्ड्स नेवर गेट सेटिस्फाई. हमको कभी संतुष्टि नहीं मिलती रोटी सब्जी खाए बिना, अपन कितना भी पास्ता पिज्ज़ा खा लें. एक जो संतुष्टि का लेवल होता है 95% लोगों को वो नहीं मिलता जब तक कि रोटी नहीं जाए. मिक्सिंग दैट रोटी विथ वेरियस इंटरनेशनल फिलिंग्स, रोल्स रॉय वर्ल्ड कुजीन ओरिएंटेड रोल आउटलेट है. हमारे यहाँ पे लेबनीज, इटालियन, मैक्सिकन, दिल्ली से आलू चाट, पनीर टिक्का, कोशिश करी है कि सब कुछ कवर हो एक ही रोटी के अंदर. मिक्सिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियन ब्रेड्स विथ
satisfaction of fast food. That is the forte of Rolls Royce. टेकिंग अ स्टेप अहेड, रोल्स-रॉय को अब दूसरे शहरों में भी खोलना शुरू किया है. जैसलमेर में हमारा रोल्स-रॉय ओपन हो चुका है. ऑब्वियसली देर विल बी अ टाइम वैन MBA की जगह सोशल मीडिया के कोर्सेज ले लेंगे. दैट टाइम इज़ नॉट फार. बेसिकली इन मार्केटिंग देर इज़ अ टर्म दैट एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी. सो हर समस्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो मैं ये सोचता हूँ कि देर इज़ लोगों के अंदर खाने का जो कीड़ा है वो कभी नहीं मरना. जब ये फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुई थी तो पीपल स्टार्टेड सो मेनी नाइस कैफेज इवन इन जोधपुर. दो महीने के लिए सही बार स्टार्ट हुए थे. बट दिस इज़ द आई बिलीव दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन समथिंग बिकॉज देर आर सो मैनी यू नो कैफेज हु आर शट डाउन राइट नाउ. सो यू हैव अ ह्यूज स्पेस टू यू नो आपको अपना मार्केट बनाने के लिए एक जगह मिल रही है अभी. सो एज आई सेड दैट पैंडमिक इज़ देयर बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ देयर ओन अपॉर्चुनिटी. यू नो वो सब कर रहे हैं तो मुझे भी फूड ब्लॉगिंग करनी है, मुझे भी फैशन ब्लॉगिंग करनी है, मुझे भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करना है. डोंट गेट प्रेशराइज बाय योर फ्रेंड्स. जस्ट डू व्हाट यू वांट एंड एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. जिस वक्त आप शुरू करें वो बेस्ट टाइम है. बस आप उसको अपने पैशन के साथ में करिए. In food influencers, like most of them are my really good friends, but I really like the content of food of Jodhpur. Okay, and this is obviously connected to Jodhpur search. इसलिए नहीं कह रहा हूँ, I'm not being diplomat. This is not coffee with Karan. Yeah, but yes, the content, the way Jodhpur search and food of Jodhpur are connecting with their audience, it's amazing. Even I get to learn so many things from their blogs and Jodhpur search. You rock. That's all about me. I'm sharing my passion for food with you all. I'll keep sharing that. Thank you.